पाकिस्तान खुद के हाथों से यहाँ का भविष्य उजाड़ रहा है। कभी स्कूल निशाना बनते हैं तो कभी कॉलेज। कुल मिलाकर इनका मकसद यहाँ पर मासूम बच्चों को तालीम से रोकना है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बच्चों की तालीम पे असर पड़ता है। और अगर दहशतगर्द आते हैं तो आ जाएं, क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मार लेंगे ना। पढ़ने से तो हम बाज नहीं आएंगे, हम तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आतंकवादियों की नजर में ना कोई स्टूडेंट है ना कोई फैकल्टी। उन्हें हर उस शख्स से नफरत है जो तालीम हासिल करना चाहता है। कभी मलाला जैसी स्कूल जाने वाली लड़कियां निशाना बनती हैं, तो कभी स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। ऐसे में एक बात तो साफ है कि आतंकवादियों के निशाने पर वो तालीम है जो इंसान को इंसान बनाना सिखाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड में। आपके साथ मैं हूं राज। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चरसद्दा में हुए उस हमले की जिसने एक बार फिर से पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। वो पाकिस्तान जहां परमाणु हमले की धमकियां दी जाती हैं, उसी पाकिस्तान को आज एक बार फिर से जख्म दिया गया है। वो पाकिस्तान जहाँ की आबादी का बड़ा तबका अशिक्षित है, लेकिन वो अशिक्षित क्यों है, उसकी वजह क्या है, वो इस बार फिर से इस हमले ने उजागर कर दिया है। पाकिस्तान का ये तबका अगर शिक्षित होना भी चाहता है तो उनके सिरों को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, उनके खून से तालीम के मंदिरों को रंग देना चाहता है, जो उसने आज एक बार फिर से करके दिखाया। आतंकियों की जन्नत बच्चों का जहन्नुम। आतंकी हमले में लहूलुहान पाकिस्तान। एम्बुलेंस चाहिए। क्यों क्यों कितने लोग पड़े हैं अंदर, बहुत लोग मारे गए हैं। यहाँ जो है एम्बुलेंस पे एम्बुलेंसेस भी नहीं है, ठीक है, एम्बुलेंस की भी शॉर्टेज है। ये क्या है, ये नाअहली है हुकूमत की। यही सब मुर्दे, ये हमारे भी बच्चे और भाई है। आतंकवाद आबाद, पाकिस्तान बर्बाद। पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके खैबर पख्तूनख्वा के चरसद्दा में बचा खान यूनिवर्सिटी में घुसकर आतंकियों ने बच्चों के सिर पर गोलियां मारी। ये गोलियां स्टूडेंट्स के सिर में नहीं दागी गई, बल्कि उन लोगों के हौसले पर दागी गई जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं और उन्हें आतंकवाद के जहर से दूर रखना चाहते हैं। पेशावर से 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के चरसद्दा में बाचा खान यूनिवर्सिटी के अंदर जब आतंकी बच्चों का खून बहा रहे थे, तब यूनिवर्सिटी के बाहर अफरा तफरी मची थी। खौफ के साए में था पूरा पाकिस्तान। सुबह 9:35 का वक्त था। बचा खान यूनिवर्सिटी में खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि पर मुशायरे का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 600 खास मेहमान और 3000 छात्र मौजूद थे कि तभी यूनिवर्सिटी के पिछले गेट से तहरीक तालिबान के हथियारबंद आतंकी घुसे। बादशाह खान के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान की आज पुण्यतिथि थी। इसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम रखा गया था। शायद आतंकवादियों ने इसीलिए ये दिन चुना। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यूनिवर्सिटी के बाहर अपने बच्चों की सलामती की दुआएं करते इन अभिभावकों का सब्र जवाब दे रहा था। ये रोता पिता, ये रोती माँ किसी तरह जान बचाकर यूनिवर्सिटी से निकले। इस बेटे को गले लगाता ये पिता
ये सारी तस्वीरें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर रही थी। जो लोग बाहर निकल रहे थे वो यूनिवर्सिटी के अंदर आतंकी हमले की आंखों देखी बयां कर रहे थे। वक्त जितनी तेजी से बढ़ रहा था मरने वालों का आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। हमले के एक घंटे के बाद सेना मौके पर पहुंच चुकी थी। यूनिवर्सिटी के अंदर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका था। और दूसरी तरफ एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। तब तक पता नहीं चल रहा था कि कितने मरे और कितने जख्मी हैं। आतंकी हमले के करीब ढाई घंटे बाद तहरीके तालिबान ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। ये वही आतंकी संगठन है जिसने करीब करीब एक साल पहले 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में 100 से ज्यादा बच्चों को बेरहमी से मार डाला था। 13 महीने में दूसरी बार इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम देकर आतंकी संगठन तहरीके तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान को गहरा जख्म दिया। नवाज शरीफ ने अपनी आवाम को भरोसा दिया कि लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, तो इमरान खान भी घड़ियाली आंसू बहाने घर से बाहर निकले। इसकी मैं जितनी भी मजम्मत कर सकूं कम है। सारा पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पे है, सब इकट्ठे हैं। हमारा सारी कौम का फैसला है और ये आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद तो सब कौम वैसे मुत्तहिद थी। हमारा एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ और पूरा अज़म है। मैं खुद जाके जायज़ा लूँगा, देखूँगा कि क्या हमारी कितनी गलतियाँ हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को पहले से ही ये जानकारी मिल चुकी थी कि तहरीके तालिबान इस तरह का आतंकी हमला कर सकता है, लेकिन भारत के पठानकोट आतंकी हमले की तरह पाकिस्तान की सरकार और सेना भी बचा खान यूनिवर्सिटी के हमले को नहीं रोक सकी। इस हमले में पाकिस्तान का हालिया मौसम एक बड़ी वजह बना। आमतौर पर उजाले में संदिग्धों को पहचान पाना आसान होता है, लेकिन पाकिस्तान में भी इस वक्त मौसम खराब है और घने कोहरे की वजह से आतंकवादियों के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर घुस पाना और आसान हो गया। टाइट सिक्योरिटी के बीच तहरीके तालिबान के हथियारबंद आतंकी धुंध का फायदा उठाकर यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए और उन्होंने इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान में आतंकी हमले की निंदा की। कई रक्षा विशेषज्ञ इस हमले को पाकिस्तान के पाप का परिणाम बता रहे हैं। पाकिस्तान खुद ही दहशतगर्दों को पालता है और खुद ही उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन पाकिस्तान को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि कोई गुड तालिबान नहीं है, कोई बैड तालिबान नहीं है, कोई गुड टेररिस्ट नहीं है, कोई बैड टेररिस्ट नहीं है। सबसे बड़ा पाकिस्तान को आज खतरा जो है उसके अपने होमग्राउंड टेररिस्ट से। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आतंकवाद को बांटने की नवाज शरीफ की गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की नीति का नतीजा पाकिस्तान के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और पाकिस्तान की बाचा खान यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले के बाद बड़ा सवाल यह है कि अब नवाज शरीफ क्या करेंगे। बच्चों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, बस इतना कहकर नवाज की जिम्मेदारी क्या पूरी हो जाएगी? क्या नवाज को अब भी ये नहीं लगता कि पाकिस्तान के मासूमों को बचाने के लिए आतंकवाद की जन्नत को अमन चैन और इंसानियत की जन्नत में बदलना जरूरी है, और ये होगा कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करता है। 2014 में पेशावर हमले के बाद भी पाकिस्तान ने कार्रवाई की बात कही थी, ऑपरेशन जरबे अज़्ब भी चलाया गया, लेकिन हकीकत क्या है वो आज चरसद्दा में हुए अटैक ने साफ कर दी है। पाकिस्तान की बचा खान यूनिवर्सिटी भारत का पठानकोट एयरबेस और पाकिस्तान के पेशावर का आर्मी स्कूल, 14 महीनों में इन तीनों जगहों पर आतंकी हमले हुए और हर हमले में पाकिस्तान की सरजमी पर पलने वाले आतंकियों का हाथ रहा। लेकिन पेशावर हमले के बाद तहरीके तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब चलाने वाले नवाज शरीफ ने पठानकोट एयरबेस पर हमले के गुनहगार मसूद अजहर और मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी जैसे खतरनाक आतंकियों के खिलाफ अब तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की
जिससे ये संदेश जाए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर पाकिस्तान का दोहरा मानदंड नहीं है। पाकिस्तान खुद ही दहशतगर्दों को पालता है और खुद ही उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि कोई गुड तालिबान नहीं है, कोई बैड तालिबान नहीं है, कोई गुड टेररिस्ट नहीं है, कोई बैड टेररिस्ट नहीं है। सबसे बड़ा पाकिस्तान को आज खतरा जो है उसके अपने होमग्राउंड टेररिस्ट से। पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि आतंकवाद उसकी सरजमी पे पल रहा है, तब भी नहीं जब 26/11 के मामले में भारत ने उसे सबूत सौंपे, तब भी नहीं जब बराक ओबामा ने उसे आतंकियों की जन्नत कहा। बराक ओबामा के उस बयान को भी मजाक में उड़ा दिया गया था जिसमें ओबामा ने पाकिस्तान को आतंकियों की जन्नत कहा था। Instability will continue for decades in many parts of the world, in the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. पाकिस्तान की बचा खान यूनिवर्सिटी में हुए आतंकी हमले को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस हमले से सबक लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चाहिए अब आतंक का खात्मा उसे बिना गुड बैड में बांटकर किया जाए। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की आग दूसरे के घर में लगाकर खुद हाथ सेंकता रहा, तब तक उसके खतरे का पाकिस्तान को अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन अब खुद पाकिस्तान इस दर्द को झेल रहा है, तब तो कम से कम इस मुल्क को ये समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद की जन्नत अगर पाकिस्तान बना रहा तो इसका कभी भी भला नहीं हो सकता। और पाकिस्तान में बुधवार को हुए इस बर्बर आतंकी हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान के आतंकी उमर मंसूर ने ली है। ये वही आतंकी है जो पहले भी पाकिस्तान को जख्म दे चुका है, जिसने पेशावर में आर्मी स्कूल पर आतंकी हमले का प्लान बनाया था और 132 बच्चों समेत 142 लोगों को मार डाला था। आपको ये बताना भी जरूरी है कि मुल्ला उमर मंसूर तहरीक तालिबान के मुखिया फजलुल्ला का बेहद करीबी है और फजलुल्ला वो आतंकी है जिसके इशारे पर मलाला और कुछ और स्कूली लड़कियों को गोली मार दी गई थी। वो इंसानियत का खातिल है, उसका मकसद बेगुनाहों की जान लेना है। उसे मासूमों का कत्ल करने में मजा आता है। जी हां, चाइल्ड किलर के नाम से कुख्यात ये वही मुल्ला उमर मंसूर है जिसने 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल पर आतंकी हमले का प्लान बनाया था, जिसमें 132 बच्चों समेत 142 लोगों की जान गई थी। ये मुल्ला मंसूर पाकिस्तान के खैबर पख्तून इलाके में तहरीके तालिबान का कमांडर है। वहां आतंकी जड़े जमा रहा है, एक के बाद एक आतंकी हमले कर मासूमों का खून बहा रहा है। दुबली पतली खत काटी वाला ये मुल्ला मंसूर वॉलीबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। उमर मंसूर मुल्ला फजलुल्ला का करीबी रहा है, वही मुल्ला फजलुल्ला जिसने मलाला यूसुफ जई की हत्या करने का प्लान बनाया था। साल 2007 में तहरीके तालिबान ज्वाइन करने से पहले मुल्ला उमर मंसूर कराची में मजदूरी करता था, मदरसे से तालीम हासिल कर चुका। ये उमर मंसूर पाकिस्तान की सरकार से बातचीत के सख्त खिलाफ है, यानी शुरू से ही मुल्ला उमर मंसूर का मकसद सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना और मासूमों की जान लेना है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती तहरीके तालिबान और उसकी आतंकी ब्रिगेड को खत्म करने की है, ताकि फिर कभी इस तरह मासूमों को निशाना न बनाया जा सके। यानी अगर दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो मुल्ला उमर मंसूर जैसे लोगों का खात्मा जरूरी है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और सर्दियों का मौसम अगर सीमा पर घुसपैठ के लिए मददगार साबित होता है तो ये मौसम आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में भी मददगार है। तभी तो तहरीक तालिबान ने 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला किया था और एक बार फिर जनवरी की धुन में ही आतंकियों ने चरसद्दा में बाचा यूनिवर्सिटी को निशाने पर लिया। उस वक्त भी पूरा पाकिस्तान रो रहा था और आज भी
पाकिस्तान की आवाम के होंठों पर एक ही सवाल है, इन बेगुनाह स्टूडेंट्स का क्या गुनाह था। सर्दियों के कुछ ऐसे ही दिन थे जब पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल को आतंकियों ने निशाना बनाया। आतंकी गर्मी ने सैकड़ों बच्चों को झुलसा दिया था और वो हमला पाकिस्तान में एक ऐसा हमला था जिसने वहां की सरकार को आतंकवाद को लेकर गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया था। पेशावर में 13 महीने पहले हुए आतंकी हमले में आर्मी स्कूल को निशाना बनाया गया। तहरीके तालिबान के आतंकी स्कूल में दाखिल हुए और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कोई कुछ समझ पाता, आतंकियों ने 132 बच्चों की लाशें बिछा दी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और पूरे पाकिस्तान में मातम पसर गया। दिसंबर 2014 की उस तारीख ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद का भयानक रूप दिखाया, जिसमें 132 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन पाकिस्तान ने इससे कोई सबक नहीं लिया। नवाज शरीफ ने पेशावर हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। कई इलाकों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन भी चला, लेकिन पाकिस्तानी सेना देश में आतंकवाद मिटाने को लेकर कितनी गंभीर है ये दुनिया जानती है। उल्टे वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगता है। पाकिस्तान की सर्दी में इंसानियत ठिठुरती रही और मुल्क के अंदर आतंकवादियों का ग्रुप एक बार फिर से उस आबादी को खा गया जो आगे चलकर पाकिस्तान की ताकत बनती। एक बार फिर से वो आबादी आतंकवादियों की भेंट चढ़ गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान गुड एंड बैड टेररिज्म के पहाड़े को रटना नहीं भूल रहा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के पास एक फिदायीन कार विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह हमला तालिबान शांति वार्ता को बहाल करने के मकसद से हुई, दूसरे दौर की अंतर्राष्ट्रीय बातचीत के 2 दिनों बाद हुआ है। अफगान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नजीब दानिश के मुताबिक हमला रशियन एम्बेसी के पास हुआ। विस्फोट में लोगों के हताहत होने की आशंका है। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि यह हमला दूतावास को निशाना बनाकर किया गया था। आपको बता दें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने सोमवार को काबुल में एक दिन की बैठक की थी, जिसका मकसद बातचीत के जरिए 14 साल के तालिबान चरमपंथ का अंत करना है। पहले दौर की बातचीत पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में हुई थी। दोनों दौर की बातचीत में तालिबान के प्रतिनिधि गैर हाजिर रहे थे।